प्रसिद्ध कवि दादा लक्ष्मीचंद जी की कलम से लिखी हुई है रागनी। किस्सा भी होगा राजा मदन सेन और चंद किरण का। मौका हवाला वहां से रहेगा कि जब वो फोटो वाला फोटो बेच रहा था और राजकुमारी चंद किरण का फोटो राजा मदन सेन देख लेते हैं, तो जैसे ही राजकुमारी चंद किरण का फोटो देखा तो दीवाने हो गए। कई रोज हो गए ना किसी से बात करते हैं, ना कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं। राजा मदन सेन की रानी नागदेनियों के लागे पिया जी आपने क्या हाल बना रखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस राज को कौन संभालेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। न्यू कहने लगे राजा की रानी, जब से इस फोटो वाली औरत को देखा है दिल दीवाना हो गया। अब तो बस एक ही लगन है कि चाहे कुछ भी हो ये फोटो वाली अपनी रानी बनानी है। न्यू क्या लगे पिया जी, जो भी गैर स्त्री के चक्कर में पड़ा है वो सुख नहीं पाया, वो जीवन में दुख ही दुख पाया है। समझाती है कि क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो इस फोटो वाली औरत के चक्कर में, क्या समझाती है। आइए दादा ने क्या लिखा। तस्वीर देख क्यों अक्कल होगी भंग पिया, कागज की तस्वीर देख क्यों अक्कल होगी भंग पिया। सुर के घोड़ा लाठी
वादा किया और ये भी कहा कि जो सुख चाहे जीव का तू चीज छोड़ दे चार। ए मूर्ख बंदे, कि जो सुख चाहे जीव का तू चीज छोड़ दे चार। चोरी चुगली जामनी तो और पराई नार। क्यों? क्योंकि चोरी कैद कराए दे और चुगली कर दे ख्वार। कि चोरी कैद कराए दे और चुगली कर दे ख्वार, और घर लुटवा दे जामनी तो सर कटवा दे नार। क्योंकि पर तिरिया पहनी छुरी ये तीन जगह ते खाए। गौर देना बातों पे। कि पर तिरिया पहनी छुरी ये तीन जगह ते खाए, धन लुटे जो बन घटे और लाज कुटुंब की जाए। इसीलिए कहा है कि पर तिरिया को तो सिर्फ बहन की नजर से या बेटी की नजर से देखना चाहिए, गंदी नजर से कभी नहीं देखना चाहिए। यूं कह लगी पिया जी, और भी उदाहरण देती हूँ, किस किस ने पर तिरिया पे गंदी नजर रखी और उनका क्या हाल हुआ। क्या कह लगी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। और आप तो राजा हो, अगर राजा ही ऐसे कुकर्म करेगा, राजा पिता समान होता है और उसकी प्रजा बेटा बेटी के समान। अगर एक पिता समान राजा ही ऐसे कुकर्म करेगा तो ये बेटा बेटी के समान प्रजा क्या कहेगी आपको पिया जी, क्या समझा लगी। तार रहे
तस्वीर देख।